रीवा जिले के डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर और उनके पड़ोसियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। डॉक्टर का आरोप है कि सरयत मोहल्ले में रहने वाले उक्त शख्स द्वारा दर्जन भर महिलाओं के साथ मिलकर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई, साथ ही उन पर जानलेवा हमले की भी कोशिश की गई। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर ने गाड़ी सामने लगाने से मना किया और सरयत ने मोहल्ले के रास्ते को बंद करवाने की मांग की, जिस कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा खलील खान। ये कौन सा मोहल्ला है? कमसरियत। क्या विवाद यहाँ चल रहा है? विवाद, वो अपने सास को अस्पताल लेके जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, बाइक पे। डॉक्टर साहब की गाड़ी चार चक्का थी, तो निकाले तो उसकी गाड़ी उसकी सास के पैर में चढ़ गई और उसको मना किया। सर बाप हारन मारे थे तो हम गाड़ी ना निकाल पाते। उसके बाद उसने फालतू उसको बेचारे को बिना मतलब का आखिर का डॉक्टर साहब उसको काला लाला पकड़ लिए। विवाद चल रहा है, किस वजह से? क्या विवाद कर रहे हैं? सिर्फ ये रोड बंद कराने के लिए, डॉक्टर जितने डॉक्टर हैं रोड बंद कराने के लिए विवाद। हालांकि डॉक्टर साहब गाड़ी बैक कर रहे थे, उधर से चले आ रहे थे, तो बैक कर रहे थे तो उसके पैर में लग गया। किसके पैर? मोहल्ले का एक आदमी है रईस नाम का, लेडीज बैठाया था, उसके पैर में लग गया था। उल्टा काला तक पकड़े हैं डॉक्टर साहब ने, लेकिन वो नहीं बोला, जान गया कि डॉक्टर है तो कुछ नहीं बोला, अपने घर चला गया है। लोग फिर अपना उसी पतंगर को लेके रोड बंद कराने के चक्कर में पूरा माहौल बना रहे हैं, जबकि ये रोड जो है आज 7 पीढ़ी हम लोगों की खत्म हो गई, 7 पीढ़ी राजा इसी जमाने से। हाँ, आज हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवीरभान पटेल जी के साथ कुछ अभद्रता हुई है। यहाँ पीछे कमसरियत मोहल्ला है और ये एक्चुअली में काफ़ी न्यूसेंस पीछे मोहल्ले वालों ने डॉक्टर कॉलोनी में मचाया हुआ है पिछले कई सालों से, और इसकी समय समय पर शिकायत भी हम लोग करते रहे हैं। और आज ये करीब 20-25 महिलाएं और एक रईस खान नाम का व्यक्ति, जैसा बता रहे हैं वीरभान जी, वो आके और यहाँ पे हंगामा किया और उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया और मारपीट की कोशिश की, तो इसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और प्रशासन से बात कर रहे हैं।